यही सांबादिक सम्मेलन रे मु आपण मानको समस्त को स्वागत जणौछि। आज बिजु महिला जनता दल राज्य कार्यकारिणी बैठक यही बैठक रे सारा ओडिशा रो कोण अनुकोण रु बिजु जनता दल समस्त कर्मकर्ता जिला सभापति एवं समस्त सांगठनिक कर्मकर्ता तथा एडवाइजर माननीय मंत्री माननीय सांसद उपस्थित रही थे एवं तृणमूल स्तर रे किपर भाव में बिजु जनता दल को संगठित करा हबो आहुरी सशक्त करा हबो से ऊपर व्यापक भाव में गोटे आलोचना होता समस्त को नहीं आम यही कार्यकारिणी बैठक रे मुख्यतः चारि गोटी प्रस्ताव नहीं गोटे है राजनीतिक प्रस्ताव जहाँकि बार गोटी प्रस्ताव आम नहीं धन्यवाद प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री को आम धन्यवाद जनइलु कृतज्ञता जनइलु 22 प्रस्ताव निहलापर सांगठनिक प्रस्ताव निहला 5 गोटी एवं संकल्प आम कलु 4 गोटी जो राजनीतिक संकल्प निहला जो राजनीतिक प्रस्ताव निहला रिजोल्यूशन कराला ताजे आम आज बिजु जनता दल माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नेतृत्व में ओडिशार लोकंकर सेवा कर 23 वर्षर शासन काल भितर माननीय मुख्यमंत्री को जो लोक मैंने आशीर्वाद दे फल प्रत्येक पाखक आम पहुँची पार कृषि कृषक कथा कहु बिजु स्वास्थ्य कल्याण कथा कहु शिक्षा कथा कहु गमनागमन कथा कहु बिजु सेतु योजना कथा कहु कृषि क्षेत्र में उन्नति कथा कहु चाषी मानक धान बिक्री बटा कहु प्रत्येक क्षेत्र में आज माननीय मुख्यमंत्री सारा ओडिशार लोकों पर योजना उपर योजना कर प्रत्येक आर्थिक उन्नति सामाजिक सुरक्षा होमें प्रत्येक क्षेत्र में काम करुचु किपर भाव शिक्षार विकास हो पार एवं 5T रूपांतरीकरण कार्यक्रम आज सारा ओडिशार शिक्षार भित्तिमि विकास हो पार गुणात्मक शिक्षार विकास हो पार ता सहित कॉलेज मध्य 5T रूपांतरीकरण आज कॉलेज को मध्य सामिल करा जाइछि जो थी कि छात्र छात्री मान शिक्षार विकास हो पार भित्तिमि विकास हो पार एवं तांकर शिक्षार गुणवत्ता मध्य बढ़ी पार एवं आज बिजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड जहाँ रही माननीय मुख्यमंत्री एक जुगांतकारी पदक्षेप से उपरे आम राजनीतिक प्रस्ताव रहिला एवं साथ किपर भाव में बिजु महिला जनता दल लोकों पाख को जाई जहाँ योजना माननीय मुख्यमंत्री करी योजना को तृणमूल स्तर में पहुँचाइब एवं लोकों सहित रही सहित काम करोजना सबको सफल रूपायन करने साय कर आम प्रस्ताव ग्रहण करूँ माननीय मुख्यमंत्री महिला मान सशक्त कर 70 लक्षर ऊर्ध्व महिला आज ओडिशा सरकार सहित जड़ित निजे राजनीतिक स्तर में अर्थनैतिक स्तर में सामाजिक स्तर में आज महिला सुरक्षा दे पार अधिकार दे पार से आम 22 प्रस्ताव लेकिन धन्यवाद अर्पण कलु विभिन्न क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन महिला सशक्तिकरण प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ माननीय मुख्यमंत्री करोजना और से उपलब्धि आज लोक पाई से आम कृतज्ञता ज्ञापन कलु एवं संगठन को किपर भाव में सुदृढ़ कराव सांगठनिक स्तर में आम वार्ड स्तर को जाई वार्ड कमिटी गठन पंचायत लेवल पंचायत चेयरमैन सभापति गठन तापर जिला स्तर में ब्लॉक स्तर में कमिटी गठन करी बिजु जनता दल सांगठनिक शक्ति को आहुरी मजबूत करने बिजु महिला जनता दल आज संकल्प नेला एवं तार प्रस्ताव पारित कला एवं आगामी दिन में आम सबुठ बड़ पदक्षेप बिजु महिला जनता दल जे जेते बड़े केंद्र सरकार अनेक ओडिशा को लोक भारतवर्ष लोक प्रतिश्रुति निर्वाचन समय रे से सबू प्रतिश्रुति को सेने पूरण करते आज अत्यावश्यक सामग्री दरदाम वृद्धि होजी लोक मैंने गरीब खटिकिया मजुरी मध्यवित्त श्रेणीर लोक आज सर्वश्रांत हो सारे एवं जहाँ प्रतिश्रुति बेकारी मानक से चाकरी देवे कृषक मान आय बढ़े रेलवाई क्षेत्र में ओडिशा को सेने सहयोग करेंगे एवं स्वतंत्र भाव में ओडिशा को स्पेशियल फोकस स्टेट मान्यता देवाई अनेक दिन है बिजु जनता दल दाबी कर आसुची किंतु से दाबी को मध्य से अणदेखा करंद्रीय अनुदान रहा कथा से अनुदान काट हो जहाँ ओडिशा एवं राज्य एवं केन्द्र भितर जहाँ
ଭାବ ମାପ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ସବୁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ତ ସେ ମହିଳା ବିଲ୍କୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଲୋକସଭାରେ ଆଣିବୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଅବିଚାର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି, ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାହା କରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ଏଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ସଂଗ୍ରାମ କରିବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି, ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ଅଧିକାର ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତେଣୁ ସାଂଗଠନିକ ଦୃଢ଼ତା, ବିରୋଧୀ ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛି ସେ ଉପରେ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ମାନ୍ୟତା, ଏସବୁ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ଜବାବ ଦେଇକି କିପରି ଆହୁରି ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ସେ ଉପରେ ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେଲା।